एनी एंड पोकी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आए सुनते हैं महाभारत की कहानी, एपिसोड 6, सत्यवती के जन्म की कहानी। प्रकृति के नियम के अनुसार स्त्री और पुरुष के संयोग से ही संतान का जन्म होता है। ये नियम सभी जीव जंतुओं और मनुष्य के लिए है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी योग बल से मनुष्य को उत्पन्न करते थे, लेकिन इस क्रिया से काफी समय लग जाता था। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या करी और सृष्टि के विकास का दूसरा तरीका निकालने की प्रार्थना करी। भगवान शिव ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हुए। उसके पश्चात अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए और इसके बाद मैथुन क्रिया से सृष्टि का विकास आरंभ हुआ। लेकिन हम यहाँ जिस कन्या की बात कर रहे हैं, उनका जन्म प्रकृति के इस नियम से हटकर हुआ था, क्योंकि जन्म में स्त्री और पुरुष का संयोग हुआ ही नहीं। चलिए आए सुनते हैं इसके पीछे की कहानी। हम जिस कन्या की बात कर रहे हैं, वह महाभारत में भीष्म पितामह की सौतेली माँ थी। इनका नाम सत्यवती था। इनके जन्म की कहानी बड़ी अनोखी है। कथा के अनुसार राजा सुधनाव एक बार वन में शिकार करने गए। उसी समय राजा की पत्नी राजस्वाला के मन में गर्भ धारण करने की इच्छा हुई। रानी ने एक शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भेजा। राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को रानी तक पहुंचाने के लिए कहा। मार्ग में शिकारी पक्षी पर हमला हुआ, जिसकी वजह से वीर्य का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना नदी में ब्रह्मा जी के शाप से एक अप्सरा मछली रूप में वहां रहती थी। उस मछली ने वीर्य को ग्रहण कर लिया था। इसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई थी। गर्भकाल जब पूरा होने को आया, तब एक दिन मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण उस मछली को राजा सुधनाव के दरबार में लाया गया। जब उस मछली के पेट को चीरा गया तो उसमें एक बालक और कन्या निकली। राजा सुधनाव ने बालक को अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए उसे मछुआरे को दे दिया और कहा, आज से ये मत्स्यगंधा कहलाएगी। मत्स्यगंधा जैसे जैसे बड़ी हुई, उसका रूप यौवन निखरता चला गया। मछुआरे पिता ने मत्स्यगंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने के काम में लगा दिया। एक दिन ऋषि पराशर भी मत्स्यगंधा की नाव में बैठे और उसे देखकर मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा से प्रेम से निवेदन किया और कहा, मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा ने कहा, आप ऋषि हैं और मैं मछुआरे की बेटी, हमारा मिलन कैसे संभव है? और उसने अपना कुमारे भंग होने की बात भी ऋषि से कही। ऋषि ने मत्स्यगंधा से कहा कि संतान उत्पन्न करने के बाद तुम कुवारी ही रहोगी, इसलिए इस बात पे वह चिंता ना करे। इसके बाद ऋषि प्राशन ने अपने तपोबल से घना कोहरा फैला दिया और मत्स्यगंधा के साथ में उनका मिलन हुआ। इनके मिलन से महर्षि व्यास का जन्म हुआ, जिन्होंने महाभारत की कथा लिखी। ऋषि ने मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से अब मछली की दुर्गंध नहीं आएगी। इसके बाद से मत्स्यगंधा सत्यवती के नाम से जानी गई। एपिसोड 7, सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य की कहानी। भरत वंश के शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद और विचित्र वीर्य था। शांतनु अपनी आयु भोगकर स्वर्ग से धार गए, जिसके बाद भीष्म ने चित्रांगद को हस्तिनापुर की गद्दी सौंप दी थी। चित्रांगद की प्रसिद्धि से चित्रांगद नाम का ही एक गंधर्व था जो चिढ़ गया था। उसने राजा चित्रांगद को कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए चुनौती दी। ये भयानक युद्ध 3 वर्ष तक चला, जिसकी वजह से राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वे गंधर्व गंधर्वलोक लौट गया था। चित्रांगद का भाई विचित्र वीर्य अभी बालक ही था। भीष्म ने उसे सिंहासन पर बैठा दिया था। विचित्र वीर्य भीष्म की वीरता और सद्गुणों का भक्त था। उनके मार्गदर्शन में वह पुरखों का राज चलाने लगा। धीरे धीरे विचित्र वीर्य जवान हो गया। उन्हीं दिनों भीष्म को समाचार मिला कि काशी नरेश की पुत्रियों का स्वयंवर होने वाला है। सत्यवती से आज्ञा लेकर भीष्म एक रथ लेकर
काशी की तरफ निकल पड़े। वहां उन्होंने तीनों राजकन्याओं तथा स्वयंवर में आए अनेक राजाओं को देखा। राजाओं तथा काशी नरेश को संबोधित करते हुए उन्होंने गंभीर स्वर में घोषणा करी, विवाह की कई विधियां प्रचलित हैं, जिसमें अक्सर सुयोग्य वर मूल्यवान देकर वधु को प्राप्त करते हैं, या फिर कन्या बलपूर्वक भी उठाकर ले जाई जाती है, या फिर कन्या की सहमति लेकर उसे विवाह किया जाता है। कन्या की सहमति से हुआ विवाह उत्तम कहा जाता है, किंतु सर्वोत्तम वधु वही होता है जिसे विवाह इच्छुक प्रतियोगियों से छीनकर प्राप्त किया जाता है। घोषणा करने के बाद भीष्म ने तीनों कन्याओं को अपने रथ पर चढ़ाकर राजाओं को ललकारा। भीष्म बोले, मैं इन तीनों कन्याओं को बलपूर्वक यहाँ से ले जा रहा हूँ। अगर किसी वीर नरेश में दम है तो मुझे रोक ले। भीष्म के तिरस्कार के बाद सभी राजा एकजुट होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसी समय विवाह के वेशभूषा त्याग करके राजाओं ने कवच धारण कर लिया। सभी योद्धा अपने हथियार उठाकर भीष्म के रथ का पीछा करने लगे। उसके बाद एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें अनगिनत बाणों की वर्षा करके भीष्म ने सबको मार डाला। जिसने भी ये युद्ध देखा उसका दिल दहल गया। देखते ही देखते एक एक वीर योद्धा अपने रथ से गिरकर भूमि पर गिर गए। भीष्म ने जिस वीरता के साथ में सबके साथ में युद्ध किया, उनके शत्रु उनकी प्रशंसा किए बिना रुक ना सके। भीष्म ने जब हस्तिनापुर की ओर रथ मोड़ा तो सोप के राजा शार्व ने उन्हें द्वंद युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म ने अपने सारथी से कहा, रथ मोड़ो, मुझे राजा शार्व की चुनौती मंजूर है। भीष्म और राजा शार्व के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें भीष्म ने शार्व के अश्वों और सारथी को मार डाला, लेकिन शार्व को जीवित छोड़ दिया। फिर कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर की ओर चले गए। भीष्म युद्ध जीतने के बाद तीनों कन्याओं को संभाल कर विचित्र वीर्य के पास ले आए। उसके पश्चात सत्यवती की अनुमति के बाद भीष्म ने विवाह की सारी तैयारियां कर ली। विवाह की सारी तैयारियां करने के बाद सबसे बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कुछ बात करनी चाही। स्वयंवर से पहले ही मैं सोम के नरेश को अपना पति मान चुकी थी। सोम नरेश और मेरे पिता ने भी इस विवाह के लिए सहमति दे दी थी। अंबा बोली, मैंने आपको सब सच बता दिया है, अब आप जो भी उचित समझे मैं वही करूंगी। एपिसोड 8, आखिर क्यों दिया अंबा ने भीष्म को शाप, भाग 2। भीष्म शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य के लिए काशी नरेश की तीनों पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके उन्हें हस्तिनापुर ले आते हैं। अंबिका और अंबालिका तो विचित्र वीर्य से शादी कर लेती हैं, लेकिन अंबा चेदी के राजा शैले से प्रेम करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। यह बात जब भीष्म को पता चली तो उन्होंने अंबा को वापस भेज दिया, लेकिन चेदी नरेश शैल्य उसे ये कहकर अस्वीकार कर देते हैं कि मैं दान स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा वहां से निराश होकर लौट आई और भीष्म से विवाह का प्रस्ताव रखती हैं, लेकिन भीष्म अपनी शपथ की वजह से उसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। अंबा ने भीष्म को गुस्से से बोला, मुझे आपकी शपथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। भीष्म ने जब फिर इनकार कर दिया तो गुस्से में अंबा ने भी एक शपथ ली, तुमने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है और अब मुझसे विवाह भी नहीं कर रहे हो। मैं एक कमजोर स्त्री हूँ और आप एक महान नायक, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी और तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। भीष्म अंबा से कुछ ना कह सके, क्योंकि वे अपने पिता और सत्यवती के विवाह की खातिर खुद कभी विवाह न करने और संतान पैदा ना करने की शपथ ली थी। भीष्म के इस बलिदान पर उनके पिता ने उनको एक वरदान दिया था, तुम किसी के हाथ से नहीं मरोगे, तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब तुम्हारी खुद की इच्छा होगी। तुम अपनी इच्छा से ही मरोगे, अगर तुम्हारी मरने की इच्छा नहीं होगी तुम हमेशा जीवित रहोगे। और अंबा ने अब ये शपथ ली थी कि वे कहीं और एक पुरुष के रूप में जन्म लेंगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी।
और इसी बात से भीष्म पूरी जिंदगी परेशान रहे थे। उन्हें हमेशा यही लगता था कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक स्त्री की जिंदगी बर्बाद कर दी है। एपिसोड 9, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कहानी। विचित्र वीर्य की शादी को 7 साल हो गए थे और कुछ समय बाद किसी अजीब सी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दाह संस्कार के बाद सत्यवती ने कुरुवंश की वृद्धि के विचार से भीष्म से कुछ बातें करी। अब कुरुवंश की डोर तथा अपने पिता शांतनु की यश को केवल तुम ही आगे बढ़ा सकते हो। तुम विवेकी हो और धर्मात्मा हो, तुम्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान है, इसलिए मैं तुम्हें एक दायित्व सौंपती हूँ। विचित्र वीर्य की तो कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम काशी की इन राजकुमारियों को पुत्रदान दो और अपने पिता के वंश की रक्षा करो। इस पर भीष्म बोले, ना तो मैं राजा बनूंगा ना संतान उत्पन्न करूंगा, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगा। सत्यवती ने उत्तर दिया, तुमने मेरे कारण ये प्रतिज्ञा ली थी, किंतु हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसी विपत्ति आ जाएगी। यदि तुम प्रतिज्ञा पर डटे रहे तो तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति कैसे मिलेगी? भीष्म सत्यवती की बात को ना मान पाए। सत्यवती भीष्म की बातें सुनकर निराश हो गई, तो इस पर भीष्म ने एक सुझाव दिया, प्रतिज्ञा भंग करने की अनुमति हमारे शास्त्र नहीं देते हैं, लेकिन क्षत्रियों की इन समस्याओं से निपटने का एक उपाय उपलब्ध है। किसी योग्य व्यक्ति से नियोग द्वारा विचित्र वीर्य की पत्नियों को पुत्रदान दिलवाया जा सकता है। सत्यवती ने भीष्म को बोला, आप मेरी कथा सुने, फिर जो आपको उचित लगता है वही करें। और सत्यवती ने भीष्म को बताया कि जब वह कुंवारी थी तब प्राशन मुनि के आशीर्वाद से उसने एक पुत्र को जन्म दिया था। उस पुत्र का नाम कृष्णद्यापन है और वो मेरे गुरु व्यास हैं। कथा सुनाकर सत्यवती ने कहा, तुम्हारी अनुमति हो तो मेरे पुत्र महान तपस्वी हैं, उन्हें बुलाकर हम अपना कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। सत्यवती के गुरु व्यास का नाम सुनते ही भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी आपका सुझाव धर्म अनुसार है, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि आप जैसे विवेकशील मनुष्य द्वारा सोच विचार कर किए गए कार्य से ही धर्म की वृद्धि होती है। भीष्म की सहमति मिलने के बाद सत्यवती ने द्व्यापन ऋषि को याद किया। जैसे ही उनको पता चला कि उनकी माँ उनको याद कर रही है, वे तुरंत उनके पास पहुँच गए। इतने वर्षों के बाद बेटे को देखकर सत्यवती फूट फूट कर रोने लगी। माँ के आंसू पोंछते हुए व्यास बोले, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए आ गया हूँ, आप आज्ञा करें। सत्यवती ने व्यास को बोला, विचित्र वीर्य जैसे भीष्म का भाई था वैसे ही तुम्हारा भी। अपने वंश और हमारी प्रजा की भलाई के लिए विचित्र वीर्य की पत्नियों को संतान प्रदान करो। व्यास ने उत्तर दिया, माँ मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। यदि दोनों राजकुमारियों ने मेरे शरीर की तीव्र गंध, कुरूप मुख और औगात व्यक्तित्व के सम्मुख शांत रह सकी तो दोनों राजकुमारियों को एक एक प्रतापी पुत्र को जन्म देंगी। सत्यवती के बहुत आग्रह करने के बाद अंबिका ने ऋषि को अपने कक्ष में बुला तो लिया, किंतु उनका मुख देखकर वह डर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब तक ऋषि उसकी कक्ष में रहे उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद रखी। बाद में जब सत्यवती ने उनसे पूछा, राजकुमारी को प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा ना? तो ऋषि बोले, 10,000 हाथियों के समान बलशाली होगा, उचित समय पर वह भी 100 पुत्रों का पिता बनेगा, किंतु उसकी माँ ने अपनी दृष्टि बंद कर ली थी, इसलिए वह दृष्टिहीन होगा। यह सुनकर सत्यवती रोने लगी, अंधा व्यक्ति राजा कैसे बनेगा? अब उचित यही होगा कि तुम कुरुवंश को एक और राजा प्रदान करो। जैसे ऋषि ने बोला था, अंबिका ने अंधे पुत्र धृतराष्ट्र को जन्म दिया था और उसके बाद व्यास अंबालिका के पास गए और छोटी रानी ऋषि को देखते ही भय से पीली पड़ गई। व्यास बोले, डर से तुम पीली पड़ गई हो, तुम्हारे पुत्र का वर्ण भी पीला होगा तथा उसका नाम पांडु रखा जाएगा। दूसरी बार भी निराश होने पर सत्यवती ने अंबिका को एक और पुत्र की याचना की, लेकिन जिद्दी अंबिका ने चलाकी से अपने वस्त्रभूषण
पहनाकर अपनी दासी को ऋषि के पास भेज दिया। दासी ने बड़े आदर एवं भक्ति के साथ ऋषि का सत्कार किया। ऋषि दासी से प्रसन्न होकर बोले, तुम अब दासी नहीं रहोगी तथा जिस पुत्र को तुम जन्म दोगी वह बुद्धिमान और विवेकी होगा। व्यास की कृपा से दासी को प्राप्त होने वाले पुत्र का नाम था विदुर। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले धृतराष्ट्र और पांडु के भाई। तो ये थी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कहानी। एपिसोड 10, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की विवाह की कहानी। इन तीनों बालकों के जन्म के बाद कुरुवंश की समृद्धि बढ़ने लगी। भीष्म के संरक्षण में राज्य में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसे देखकर दूर के राज्यों के भी लोग वहां आकर बसने लगे। भीष्म ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को अपने बेटे की तरह पाला। वे तीनों परमवीर और ज्ञानी युवक बन गए थे। जब हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंपने का प्रश्न आया तो धृतराष्ट्र का दावा यह कहकर खारिज कर दिया कि वे जन्म से अंधे हैं, राजकाज करने में उन्हें परेशानी होगी। विदुर दासी के पुत्र होने के कारण राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। धृतराष्ट्र के शरीर में 100 हाथियों का बल था, फिर भी उन्हें राजा बनने का अधिकार इसलिए नहीं मिला क्योंकि वे अंधे थे। इसी बात को लेकर धृतराष्ट्र के मन में पांडु के प्रति विरोध और ईर्ष्या की भावना रही। फिर एक दिन भीष्म ने विदुर से कहा, अब हमें अपने वंश के भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। सुबुल की पुत्री गांधारी, शूर की पुत्री कुंती और शैल्य की बहन मात्री तीनों कन्या कैसी रहेंगी पांडु और धृतराष्ट्र के लिए? भीष्म ने आगे बताया, मेरे ख्याल में राजकुमारों के लिए ये अच्छी रहेंगी और हमारा वंश सुचारू रूप से आगे चलता रहेगा। विदुर, तुम्हारा क्या ख्याल है? विदुर ने उत्तर दिया, आप हमारे लिए माता पिता और गुरु के समान हैं। आप जो बोलेंगे हमारे लिए वही शुभ होगा। जब भीष्म ने सुना कि गांधारी को शिव से 100 पुत्र की माता बनने का वरदान मिला है तो उन्होंने तुरंत ही गांधार नरेश सुबुल के पास अपना दूत भेजा। संदेश मिलने के बाद जब उन्हें पता चला कि वर अंधा है तो पहले तो उन्होंने संकोच किया, किंतु धृतराष्ट्र पराक्रमी कुरुवंश का राजकुमार था इसलिए वे मान गए। जब गांधारी को पता चला कि उनका विवाह एक अंधे राजकुमार के साथ होने वाला है तो अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन गांधारी के भाई शकुनी को ये बात पसंद नहीं आई और शादी के बाद वह गांधारी को हस्तिनापुर छोड़ने आए और उसने उसी समय संकल्प लिया कि वह इस कुरुवंश का सर्वनाश करके ही दम लेगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र की शादी सुबुल की कन्या गांधारी के साथ हुई। कुंती शूर नामक यादव की पुत्री थी, किंतु हमारे पूर्वजों ने उसे सदा कुंती भोज की पुत्री बताया है। कुंती भोज शूर की बुआ का बेटा था, वह संतानहीन था। शूर ने अपना एक वचन निभाने के लिए अपनी पहली संतान कुंती भोज को दे दी थी। शूर ने अपनी बेटी का नाम प्रीता रखा था, किंतु नए घर में जाने के बाद उसे कुंती कहलाने लगे। यदुवंश के राजा शूरसेन कृष्ण के पितामह थे, इसी कारण कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। राज्य में अगर कोई भी अतिथि आते तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी कुंती के हाथों में थी। और एक बार उनके राज्य में दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने अपनी सेवा से महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि का मन जीत लिया था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया। उस मंत्र के द्वारा वे किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। अपनी दिव्य दृष्टि की वजह से दुर्वासा ऋषि जानते थे कि कुंती के पति संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद राजकुमारी ने शादी से पहले ही मंत्र की शक्ति परखने के लिए प्रकाश के देवता सूर्य का आह्वान किया। मंत्र पढ़ते ही सूर्य देव वहां प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हें पुत्रदान करने आया हूँ। कुंती भयभीत हो गई और बोली, सूर्यदेव मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुवारी हूँ, मैं ये पुत्र नहीं ले सकती। मैं तो सिर्फ दुर्वासा ऋषि के दिए गए मंत्र की परीक्षा ले रही थी, मेरा अपराध माफ करें। परंतु मंत्र के प्रभाव के अधीन सूर्यदेव बिना पुत्रदान के नहीं जा सकते थे। उन्होंने कुंती को समझाया, घबराओ मत सुंदरी,
तुम्हें दिव्य पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारी मर्यादा भी भंग नहीं होगी। ऐसा कहकर सूर्यदेव कुंती को पुत्र दान करके चले गए। कुंती लोक निंदा के भय से परेशान हो उठी। उसने अपने पुत्र को एक संदूक में रखा और नदी में बहा दिया। बहता हुआ शिशु राधा नामक सूत जाति की एक स्त्री के पति को मिला। उन्होंने उस बालक को अपने बेटे की तरह पाला, क्योंकि वह कवच और स्वर्ण कुंडलों से सज्जित था, इसलिए बालक का नाम रखा गया वशुसेन। बड़ा होकर यही बालक महारथी करण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती ने अपने पहले पुत्र का त्याग कर दिया, परंतु वह उसे कभी भूल नहीं पाई। कुंती के पिता कुंती भोज ने जब उसका स्वयंवर रचाया, तो कुंती ने महाराज पांडु के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपना पति बना लिया। विवाह के बाद कुंती को लेकर पांडु हस्तिनापुर लौट आए। भीष्म ने मद्र नरेश शैले की बहन माद्री के रूप व गुणों की चर्चा भी सुनी थी। उन्होंने पांडु का एक और विवाह कराने का निश्चय किया। भीष्म एक बड़ी सेना और धन संपत्ति के साथ मद्र राज्य की ओर निकल पड़े। शैल्य ने भीष्म का आदर सत्कार किया और उसके बाद उनके आगमन का कारण पूछा। मैंने तुम्हारी बहन माद्री के रूप और गुणों की काफी चर्चा सुनी है और मैं उसका हाथ पांडु के लिए मांगने आया हूँ। इस पर मद्र के राजा बोले, कुरुवंश से संबंध जोड़ने के लिए हम उत्सुक है, किंतु हमारे वंश की एक रीति का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह आप मेरी बहन का हाथ मांग रहे हैं, वह हमारी रीति के अनुसार उचित नहीं है, अतः मैं आपको विवाह का वचन नहीं दे सकता। भीष्म बोले, मुझे इसका ज्ञात नहीं था, पर हम आपकी हर रीति का पालन करेंगे। और मद्रों की रीति के अनुसार भीष्म ने स्वर्ण, मोती, मूंगा, रतन, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ देकर कन्या का मूल्य चुका दिया। शैल्य ने यह बहुमूल्य भेंट स्वीकार करी और अपनी बहन को आभूषणों से सजाकर कुरुवंश को सौंप दिया। भीष्म माद्री के साथ हस्तिनापुर लौट आए और एक शुभ दिन देखकर पांडु और माद्री का विवाह करवा दिया। धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह के बाद भीष्म ने राजा देवक की शूद्र पत्नी से उत्पन्न कन्या के साथ में विदुर का विवाह करवा दिया। अपनी पत्नी से विदुर को अनेक संतान प्राप्त हुए। तो इस तरह धृतराष्ट्र ने शादी करी गांधारी से, पांडु ने शादी करी कुंती और माद्री से, और विदुर ने शादी करी राजा देवक की पुत्री के साथ। आगे और कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए एनी एंड पोकी को। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।